खबर की ओर रुक करेंगे। इस वक्त की अगली खबर रायपुर से ही है। स्कूलों में कहानी उत्सव का आयोजन होगा। बच्चों को सुनने के कौशल में दक्ष बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसके चलते अब स्कूलों में कहानी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आयोजन होगा। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कहानी उत्सव का आयोजन किया जाएगा स्कूलों में। बच्चों को सुनने के कौशल में दक्ष बनाने पर जोर है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आयोजन होगा। तो स्कूलों में अब कहानी उत्सव का आयोजन होगा। बच्चों को सुनने के कौशल में दक्ष बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आयोजन होगा, तो बच्चों के लिए ये नई पहल कह सकते हैं एक की गई है। बच्चों को सुनने के कौशल में दक्ष बनाने के लिए ये एक नई कवायद की गई है। कहानी उत्सव का आयोजन अब से किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर कहानी उत्सव का आयोजन होगा, जिससे बच्चों के सुनने का जो कौशल है उसको दक्ष बनाने के लिए ये पहल, ये कवायद की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं संवाददाता भूजेंद्र का। भूजेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूजेंद्र, स्कूलों में कहानी उत्सव का आयोजन होना है, कौन सी क्लास से लेकर किस क्लास तक के बच्चों के लिए ये नई पहल की जा रही है? तो प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए कहानी उत्सव का आयोजन कराया जा रहा है। 22 फरवरी को आयोजन कराया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली गई है। इसमें एक संगठन अजीत प्रेम जी संगठन के द्वारा ये सहयोग लिया जा रहा है और ये सारे प्राथमिक स्कूलों पे, छत्तीसगढ़ के सारे प्राथमिक स्कूलों पर कहानी उत्सव मनाया जाएगा और स्थानीय भाषा मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा में कहानी सुनाया जाएगा। इसको सुनाने के लिए वहाँ के टीचर और साथ में गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी स्कूल में बुलाया जाएगा और उनके माध्यम से कहानी सुनाया जाएगा। कहा ये पहला आयोजन है जिसमें मातृभाषा दिवस के अवसर पर ये छत्तीसगढ़ी भाषा में कहानी स्कूलों में सुनाया जाएगा, प्राथमिक स्कूलों में। और इससे बच्चों को जो प्रेरणादायक कहानियां है छत्तीसगढ़ के पृष्ठभूमि से जुड़ी, जो छत्तीसगढ़ की वीर गाथा है, उन सारी कहानियों को छत्तीसगढ़ी भाषा में बड़े बुजुर्गों द्वारा और टीचरों के द्वारा सुनाया जाएगा। इसको लेकर सारी तैयारियां भी की जा रही है। विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया कि सारे स्कूलों में, प्राथमिक स्कूलों में कहानी उत्सव मनाया जाएगा। जी बिल्कुल भूजेंद्र, जिस प्रकार से जो है कहानी उत्सव अभी फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर इसका आयोजन किया जाना है, क्या इसके अलावा भी स्कूलों में ये अब पहल देखने को मिलेगी लगातार? जी निश्चित तौर पर, सरकार ने मातृभाषा दिवस के दिन से इसकी शुरुआत की है और इसको अलग अलग दिनों पर मातृभाषा से लेकर साथ ही जो कहानी उत्सव का कार्यक्रम जो रखा गया उसको भी लगातार सुचारू रूप से स्कूलों में चलाने के निर्देश दिए हैं कि वहाँ पे जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं वो आके बच्चों को, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को कहानियां सुनाएंगे। कहानी सुनाने में जो कहानियां रहेंगी उनके भी कैटेगरी निर्धारित किए गए हैं कि जो छत्तीसगढ़ की वीर गाथा है, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी, छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी लोग रहे, छत्तीसगढ़ के जितने भी महापुरुष रहे हैं, उन सारे लोगों की कहानियां, जीवनी, साथ ही छत्तीसगढ़ की जो कहानियां हैं, कथा कहानियां, उनको भी छत्तीसगढ़ में सुनाने के निर्देश दिए हैं और ये लगातार छत्तीसगढ़ के प्राथमिक स्कूलों में संचालित भी होगा। कहानी उत्सव लगातार बीच बीच में मनाया जाएगा। बिल्कुल बीच बीच में इसका आयोजन किया जाएगा भूजेंद्र, और ये पहल लगातार जो है जिस प्रकार से की जा रही है बच्चों के लिए कहानी उत्सव का आयोजन, तो ये प्रतिदिन के लिए किया जा रहा है या फिर सप्ताह में एक बार, जैसे कि पहले हम देखते थे कि कई प्रकार के कार्यक्रम वीकली भी चलाए जाते थे, तो इसको वीकली रखा जाएगा या फिर पर डे इसको किया जाएगा? अभी तक जो निर्देश आए हैं पूनम, 22 तारीख को कहानी उत्सव के शुभारंभ किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है और इस कहानी में, कहानी उत्सव में बड़े बुजुर्गों को भी शामिल किया जा रहा है, टीचरों को भी निर्देश दे दिया गया और शिक्षा का माने तो इसको लगातार चालू करने का, जो 22 तारीख को बच्चों का रिस्पॉन्स देखा जाए कि कैसे बच्चे इसको कहानी सुन रहे हैं, कैसे उनको ज्ञान में वृद्धि होगी, इन सारी चीजों को लेकर इसको शिक्षा विभाग जो है लगातार मंथन कर रही है। मंथन करने के बाद इसको सुचारू रूप से प्रतिदिन या फिर हफ्ते में एक बार आयोजन करने के लिए विचार विमर्श भी कर रही है। जी भूजेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ।
मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल कहानी उत्सव का आयोजन जो है बच्चों की जो कौशल को दक्ष बनाने, उनके जो सुनने का कौशल होता है उसको दक्ष बनाने के लिए नई पहल, नई कवायद की जा रही है और ये अब हमें स्कूलों में देखने को मिलेगी। लेकिन इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर की जाएगी। आयोजन सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर किया जाएगा।